हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं अपना, ये कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली एक वीडियो में इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो हमने वर्ड मीनिंग्स आपको नोट कराए थे। ठीक है, आज हम मीनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है हाउ टू विन अ फ्रेंड। हाउ टू विन अ फ्रेंड का मतलब क्या है? क्या दोस्तों को जीतना? दोस्त तो क्या कोई कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पे दोस्त आपको मिलेंगे अगर आप जीत गए तो? मतलब क्या इसका हाउ टू विन अ फ्रेंड? बेसिकली स्टार्टर का मतलब है कि आप ट्रू फ्रेंड कैसे बना पाते हो, आप ट्रू फ्रेंड कैसे बना पाते हो, फिर किसी का ट्रू फ्रेंड कैसे बन पाते हो, यानी आप किसी दोस्त को, आप एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हो। ठीक है, आप अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हो, या फिर आप किसी और को अपना अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हो, बेसिकली वो है ये। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, अ फ्रेंड इज अ प्राइसलेस ज्वेल, ही मेक्स यू स्माइल एंड एनकरेजेस यू टू सक्सीड, ही लेंड्स अ जॉय एंड सॉरो एंड सॉरो एंड ऑलवेज ओपन हिज हार्ट टू यू। वो कह रहा है और दोस्त जो है वो प्राइसलेस ज्वेल है। प्राइसलेस क्या है? ज्वेल उसकी कीमत ही लगा सकता है, ऐसा ही रहा है दोस्त, ऐसा ज्वेलरी की तरह, क्योंकि कुछ कीमत ही लगा सकता है, बहुत प्रेशियस है। मतलब वो आपको स्माइल कराता है, आपको इनक्रेज करता है कि आप आगे बढ़ो, आप सफल हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो, आपको इनक्रेज करता है। वो आपको सुनता है, आपकी खुशियों में, आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी पार्टिसिपेट करता है, और आप हमेशा अपना दिल आपके सामने खोल के रखता है। मतलब क्या, हमेशा आपके साथ ओपनली रहता है, ठीक है, कुछ छिपाता नहीं है। फ्रेंड थिंक अलाइक, फ्रेंड से थिंक अलाइक, विद अ फ्रेंड यू मस्ट पुट योर सेल्फ इन हिज शूज, सी लाइफ फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज यू आर लैप्ड अप इन योर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन गोल्स एंड योर ओन वरीज। वो कह रहा है कि दोस्त जो होते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं, वो सिमिलर सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं? एक जैसे सोचते हैं। ठीक है, एक दोस्त को अच्छा दोस्त बनाने के लिए, टू बिना फ्रेंड मतलब क्या, किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाने के लिए, ठीक है, आपको अपने आप को उसकी जगह पर रखना होगा, बट इन हिज शूज मतलब कि उसकी जगह पर रखना होगा, आपको उसकी जगह पर रखना होगा, आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, आपको आपको लाइफ को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि वो कैसे इस लाइफ को देखता है, वो क्या सोचता है, ये नहीं कि आप क्या सोचते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला क्या सोचता है उसके लिए मैटर करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ना कभी कभी ना ये डिफिकल्ट हो जाता है। क्या डिफिकल्ट हो जाता है? अपने आप को दूसरों की जगह पर रखना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, आप अपनी ज़्यादा लाइफ में क्या होता है, रैपअप होते हो, आपके पास अपने खुद के इतने काम है, अपने ही कामों में बहुत बिजी हो। ठीक है, आपको खुद के गोल्स हैं, आपके खुद की चिंताएं हैं, आप उन्हीं में इन्वॉल्व हो, तो आप कभी दूसरे का अर्थ नहीं सोच पाते। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ डीलिंग, द सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल इज, द सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल इज गिविंग देम अ फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, ही हु कैन डू दिस हैज द होल वर्ल्ड विद हिम, ही हु कैन नॉट वॉक अ लोनली पाथ, अ चाइल्ड ग्रोज अप एंड लर्न टू असर्ट हिमसेल्फ इन लाइफ बिकॉज ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स अ फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। वो कह रहा है किसी भी लोगों का अगर डील करना है तो उसका सीक्रेट एक ही, उसका सीक्रेट एक ही क्या, गिविंग देम अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराओ, उन्हें फील कराओ कि वो कितने इम्पोर्टेंट है उनके लिए, गिविंग देम अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, ही हु कैन डू दिस, वो जो ऐसा कर सकते हैं, हैज द वर्ल्ड विद हिम, उनके साथ पूरी दुनिया है, उनकी पूरी दुनिया है, एक नहीं एक दोस्त नहीं, उनके पूरी दुनिया उनके दोस्त बन जाएगी फिर ऐसे तो। एंड हु हु कैन नॉट, और जो ऐसा नहीं कर सकता, और जो ऐसा नहीं कर सकता, वो अक्सर लोनली पाथ, वो अकेला रह जाता है, वो अकेला, फिर उसे अकेले चलना पड़ता है, यानी उसके तो कोई नहीं होता, यानी अगर आप दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कोई फिर आपको दोस्त नहीं बनेगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा। देखा, अ चाइल्ड ग्रोज अप एंड लर्न्स टू असर्ट हिमसेल्फ इन लाइफ। वो कहता है बच्चा बड़ा होता है और सीखता है एफर्ट देना, एफर्ट देना सीखता है खुद से अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसने इम्पोर्टेंट फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स से रिसीव की है। हमारे पेरेंट्स हमें इम्पोर्टेंट फील कराते नहीं कराते हैं, कराते हैं, तो इस वजह से वो अच्छा फील करता है। बेस्ट फ्रेंड नीड नॉट मीट ऑफन, बेस्ट फ्रेंड्स नीड नॉट मीट ऑफन, इफ द बॉन्ड बिटवीन टू फ्रेंड इज स्ट्रॉन्ग, दे कैन एंड देयर लाइफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, दे फाइंड अ वे ऑफ बीइंग इन टच डिस्पाइट बिजी स्केड्यूल्स, ट्रू फ्रेंडशिप नेवर फेड्स अवे, इन फैक्ट इट ग्रोज बेटर विद टाइम, ट्रू फ्रेंडशिप हैव सम ट्रस्ट इंस्पिरेशन एंड कंफर्ट, द वॉइस ऑफ हेलो ओवर द फोन मेक्स द फ्रेंड अवेयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ हिज फ्रेंड। वो कह रहे हैं जो बेस्ट फ्रेंड है, जरूरी नहीं कि वो रोज मिले, जरूरी नहीं है कि वो बार बार मिले,
अगर उनके बीच में बॉन्ड अच्छा है, अगर उनके दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, तो अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस भी, अगर बहुत दूर दूर भी है ना दोस्त, तो अभी उनके फ्रेंडशिप है ना बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है, लंबे टाइम तक रह सकती है, ठीक है। और अगर उनके उनका बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो कुछ ना कुछ करके वो एनी हाउ क्या करेंगे, एनी हाउ क्या करेंगे, अपने बिजनेस के लिए थोड़ा टाइम तो निकाल ही लेंगे एक दूसरे से मिले जुलने के लिए, ठीक है। और वो क्या, जो सच्ची दोस्ती होती है, सच्ची दोस्ती होती है वो कभी फेड अप नहीं होती, वो कभी फेड अप भी नहीं होती। इनफैक्ट ये तो टाइम के साथ है, तो टाइम के साथ बढ़ती जाती है, टाइम के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ट्रस्ट पर, इंस्पिरेशन पर, कम्फर्ट पर, ठीक है। और कह रहा है जो जो अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, और मैं तो अगर आप हेलो ही बोलते हो ना, हेलो ही बोलते हो कॉल पर, तो कॉल पर ही इंसान समझ जाता है, कॉल पर ही आपको दोस्त मिल जाता है आपकी वेलबींग के बारे में, कि आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे नहीं। आप हेलो बोल रहे हो, आपके हेलो से समझ जाएगा कि आप ठीक हो या नहीं हो। तो ये होती है दोस्ती। तो ये लिखा हुआ है, इफ़ यू बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, दे विल लाइक यू, स्माइल, एंड दैट वुड मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर सेल्फ। एड्रेस अ पर्सन बाई हिज नेम बिकॉज टू हिम दैट इज द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सम। वो कह रहा है अगर आप जेन्युइनली किसी में इंटरेस्टेड हो, अगर आप जेन्युइनली किसी दूसरे इंसान में इंटरेस्टेड हो, तो वो डेफिनेटली आपको पसंद करेंगे। अगर आप उनमें इंटरेस्ट हो, तो वो भी आपको इंटरेस्ट लेंगे। स्माइल एंड दैट वुड मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर सेल्फ। अगर आप उनसे मिलते जुलते तो स्माइल करो, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका, ठीक है। एड्रेस अ पर्सन बाय हिज नेम बिकॉज टू हिम दैट इज द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साउंड। वो कह रहा है जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो, जब भी आप किसी पर्सन से कॉल करते हो या उसको बुलाते हो, तो उसको ए ओ करके नहीं, उसका नाम लेके बुलाओ, उसका नाम लेके बुलाओ। क्यों? क्योंकि उस इंसान के लिए उसका जो नाम है वो बहुत बढ़िया, बहुत स्वीट और मोस्ट इम्पोर्टेंट साउंड होता है। हर इंसान का अपना नाम पसंद होता है, हर इंसान का अपना नाम पसंद होता है, ठीक है। तो उसको उसके नाम से बुलाओ। एन ईजी वे टू बिकम अ गुड फ्रेंड इज बाई बींग अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट, एंड डू इट सिंसियरली टू मेक पीपल यू लाइक यू इंस्टेंटली। वो कह रहा है सबसे ये तरीका जो दोस्त होने का है, बिल्कुल सबसे क्या पहले तो सबसे अच्छे लिसनर बनो। सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए, सबसे पहले तो आपको सुनना आना चाहिए। क्यों अफ है ना सुनना चाहिए। फिर कह रहा है एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, लोगों से बोलो कि वो अपने बारे में बात करें, आप खुद के बारे में बात मत करो, आप सामने वाले से सामने वाले के बारे में बातें करो, ठीक है। मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट, सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करवाओ, एंड डू सिंसियरली, और सिंसियरली करो, ये नहीं कि आप झूठ मूठ में कर रहे हो, नहीं सिंसियरली करो, ठीक है। सिंसियरली करो तो सामने वाला पर्सन आपको तुरंत लाइक करने लगेगा, ठीक है। ट्रू फ्रेंड आर नॉट अपॉर्चुनिटिस्ट, ट्रू फ्रेंड आर नॉट अपॉर्चुनिस्ट, दे नॉट हेल्प बिकॉज दे हैव समथिंग टू गेन आउट ऑफ इट। True friendship is selfless, selfless. Best friends support even when the whole world deserts you. It is not easy getting true friends, and if you have even one true friend, consider yourself blessed. In this world of cynics, flatterers, backstabbers, there are still some people who are worthy to be friends. वो कह रहा है अच्छे दोस्त होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते, अच्छे दोस्त होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते। अपॉर्चुनिस्ट मतलब क्या, वो कभी भी मौके का फायदा नहीं उठाते, वो कभी भी मौके का फायदा नहीं उठाते, वो सेल्फलेस होते हैं, वो सेल्फिश नहीं होते हैं, वो सेल्फलेस होते हैं, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड आपको तब तक सपोर्ट करेंगे जब पूरी दुनिया भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो वो कह रहा है बेस्ट फ्रेंड सपोर्ट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज रॉन्ग, पूरी दुनिया आपको छोड़ के चल जाएगी ना, फिर भी आपके दोस्त होंगे जो आपको हेल्प तो करेंगे, आपको आपको सपोर्ट करेंगे। हाउएवर इट इज नॉट ईजी गेटिंग ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स मिलना ईजी नहीं है, इसीलिए अगर आपके पास एक भी ट्रू फ्रेंड है तो अपने आपको बहुत खुशकिस्मत समझो। कंसिडर योर सेल्फ ब्लेस्ड, अपने आपको बहुत खुशकिस्मत समझो। इन दिस वर्ल्ड ऑफ सिनिक्स फ्लैटरर्स एंड बैकस्टैबर्स, आज के चापलूसों वाली दुनिया में जहाँ पर लोग पीठ पीछे अच्छा बोल पीठ पीछे बुराई करते हैं, सामने अच्छा ही बोल अच्छा बोलते हैं, ऐसे वर्ल्ड में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको आप अच्छा दोस्त बना सकते हो, कुछ लोग हैं जो अभी भी दोस्तों ने लायक हैं। तो ये नहीं कि सारे ही बेकार हैं, नहीं, दोस्तों ने लायक लोग अब भी हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम इफेक्टिव वेज टू विन फ्रेंड्स, अब कुछ तरीका बता रहे हैं अच्छे दोस्त बनाने के बेसिकली। द ओनली वे, अब कह रहे हैं केवल अकेला तरीका तो यही है, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। वो कह रहा है तो सबसे पहले तो बात करें कि सबसे बढ़िया तरीका था कि आर्ग्यूमेंट से बाहर आने, तो क्या आर्ग्यूमेंट चल रही है तो आर्ग्यूमेंट से अगर आपको बाहर आने तो क्या,
आर्ग्यूमेंट, अगर चल रहे हो आपको आर्ग्यूमेंट से बाहर आना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अवॉइड करो बात बहस करना सामने वाले से। आप सामने वाले से आर्ग्यू करना बंद कर, स्टॉप कर दो, अवॉइड करो। आप अपने आप को प्रूफ, आप प्रूफ करना चाह रहे हो सामने वाले को, रहो नहीं छोड़ दो, किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप छोड़ दो एकदम से, बाहर आ जाओ उस आर्ग्यूमेंट से। ऑलवेज फॉर रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन ओपिनियन। सामने वाले के ओपिनियन हो सकता है उसकी जगह पर सही है, आपके आपकी जगह पर भी सही हो सकता है सामने वाले के उसके सोच के अकॉर्डिंग, उसके थिंकिंग के अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं। तो सामने वाले के ओपिनियंस को समझने की कोशिश करो और कभी उससे मत कहो दैट ही इज रॉन्ग, कहीं उससे मत कहो कि वो गलत है, क्योंकि उससे वो हर्ट होगा, तो उसका ईगो हर्ट होगा। इफ यू आर रॉन्ग एडमिटेड, और अगर आप गलत हो तो आप एक्सेप्ट कर लो। द सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट इज टू लेट द अदर मैन टॉक अ ग्रेट डील टू ईज आउट हिज फीलिंग्स। वो कह रहा है सबसे सेफ तरीका जो है कंप्लेंट को हैंडल करने का, सबसे सेफ तरीका जो है कंप्लेंट को हैंडल करने का वो ये है, सामने वाले पर्सन को बोलने दो, लेट द अदर मैन टॉक, सामने दूसरे इंसान को बोलने दो, ठीक है। क्या बोलने दो? वो सब बोलने दो ताकि उसकी सारी फीलिंग्स बाहर आ जाए, सारा सब गुस्सा आ जाए उसको बोलने दो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी आप अच्छे लिसनर बनो, आप सुनते रहो, आप मत बोलो, आप बोलोगे तो बीच में आप उससे ही घट होगा। आप उसको बोलने दो उसका जितना गुस्सा है सारा बाहर आने दो। इफ़ यू विश अनदर मैन टू सपोर्ट योर आइडिया लेट अदर फॉलो फील दैट आइडिया इज हिज एंड दैट विल मेक हिम कोऑपरेट विद यू। वो कह रहा है अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके आइडिया में सपोर्ट, आपको सपोर्ट करे, यानी आइडिया आपका है और आप ही को सपोर्ट करे, आइडिया आपका है आप चाहते हो कि दूसरा उसको सपोर्ट करे, आपके आइडिया में दूसरा आपकी हेल्प करे, तो इसका एक तरीका है। उसका तरीका क्या है कि आप अपने आइडिया को ना उसका तरीका बना लो। आप उसे बताओ ये मेरा आइडिया है, उसे कहो ये हमारा आइडिया है, आप उसे बताओ ये मैंने बोल किया है, आप उसे हमने किया है, तो जब हमारी फीलिंग ले आओगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये इसने नहीं, ये तो मैंने भी किया है। और जब उसको लगेगा कि ये थॉट मेरा है, ये आइडिया मेरा है, तो वो भी उससे लाइक करने लगेगा और वो सपोर्ट करेगा, और इस वजह से देट वुड मेक हिम कोऑपरेट विद यू, और फिर वो आपके साथ काम करना पसंद कर लेगा, ठीक है। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू विल विन अ फ्रेंड। अब कह रहा है आपको ऑनेस्टली अपने आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पर, पॉइंट ऑफ अपने दूसरे के प्लेस पर रख के सोचना होगा, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, और इस तरह से आप एक अच्छा दोस्त बना सकते हैं। ट्रू फ्रेंड्स डोंट डेजर्ट ईच अदर व्हेन देयर इज ट्रबल। सच्चे दोस्त जो होते हैं अब परेशानी में एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते, दे फेस इट टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर इवन इफ इट हर्ट्स द अदर। इनफैक्ट परेशानी भी होगी तो दोनों एक साथ उसको फेस करते हैं, इवन इफ अगर उनमें से किसी को हर्ट भी हो रहा है तभी वो दूसरे को छोड़कर नहीं जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स एक्सेप्ट ईच अदर विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज। बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो सामने वाले से नहीं कहते तेरे दर्जी कमी है, तेरे दर्जी अच्छा है, नहीं वो जैसे होते हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हर तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं। सच्चे दोस्त कभी भी कोई सीक्रेट नहीं रखते, दोनों ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी अच्छे से जानते होते हैं और वीकनेस भी अच्छे से जानते होते हैं। हियर इज अ स्टोरी ऑफ द ट्रस्ट ऑन फ्रेंड। यहाँ एक स्टोरी दी हुई है, तो स्टोरी चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज, चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और एक बार सारा ऊपर वाला जो हमने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है वो आप पूरा रीड करें, रीड अगेन है ना, पॉज कर लो और रीड करो। और हाँ अगर आप ये वीडियो वर्ड मीनिंग से लर्न करने के बाद देख लो तो बेनिफिशियल, अगर नहीं है तो मतलब वर्ड मीनिंग से आते हो उसके बाद ही अभी वर्ड मीनिंग्स पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करो करो जब आपको करना है अभी। आई थिंक आपने वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ लिए होंगे वीडियो, और ये प्रीवियस टॉपिक पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये स्टोरी है एक प्रिंस की और एक उसका सर्वेंट कह सकते हो आप उसका, है ना, दोस्त थे, तो दोनों दोस्त थे, दोनों की दोस्ती का प्रूफ बताया गया इसके अंदर कि ट्रू फ्रेंडशिप कैसे होती है। अ प्रिंस एंड मिस्टर सन वेंट आउट फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक प्रिंस होता है और उसे प्रिंस के कोर्ट का एक मिनिस्टर होता है और उसका बेटा, तो मिनिस्टर का बेटा और प्रिंस दोनों दोस्त होते हैं, दोनों भाग जाते हैं हंटिंग के लिए।
फॉरेस्ट में, ठीक है। आफ्टर वंडरिंग द होल डे दे फेल्ट हंग्री एंड वर एग्जॉस्टेड। पूरा दिन घूमने के बाद, पूरा दिन घूमने के बाद उन्हें भूख लगने लगी और वो थक गए, और वो थके गए। दे फाउंड द कूल सीट ऑफ अ ट्री एंड सेट डाउन टू रेस्ट। उन्होंने एक ठंडी जगह देखी, यानी जो ट्री की सेट थी वो देखी ठंडी जगह, और वहाँ पर बैठ गए रेस्ट करने के लिए। सुन द प्रिंस फेयर ऐसे, बहुत जल्द प्रिंस को नींद आ गई। वाइल द मिनिस्टर स्टेट आ गए, जबकि मिनिस्टर का जो बेटा था वो जागता रहा एंड केप्ट गार्डिंग, और वो प्रिंस को गार्ड करता रहा। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद आइसरे सीथर एक स्नेक देखता हुआ आया टुवर्ड्स द प्रिंस, है ना, फ्यूरियसली, और वो बहुत गुस्से से साउंड निकाल रहा था। इट वॉज अबाउट टू बाइट हिम, वो उसको प्रिंस को बाइट करने ही वाला था, करने ही वाला था। हाउ एवर द मिस्टर सेसन क्विकली रेज हिज स्वॉर्ड। लेकिन तुरंत ही मिस्टर के बेटे ने क्या किया, अपनी स्वॉर्ड निकाली, अपनी तलवार निकाली। बट बिफोर ही कुड किल इट द स्नेक स्पोक अप। लेकिन जैसे ही वो मिस्टर का बेटा उस सांप को मारता, उससे पहले सांप बोल रहा, सांप बोल रहा, हाँ स्टोरी बेटा, अब सांप बोल रहा, सांप क्या कह रहा है, द प्रिंस वॉज एनिमी इन माई प्रीवियस लाइफ। ये जो प्रिंस है ये पिछले जन्म में, प्रीवियस लाइफ में मेरा एनिमी था। आई कैन नॉट रेस्ट अंटिल आई सक अप हिज आई सक हिज ब्लड। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं इसका खून नहीं पी लूंगा। सांप बोला ऐसा करो, बोला स्नेक बोला है, ठीक है। द मिनिस्टर सन वॉन्टेड टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ। और जो मिस्टर का जो बेटा था वो अपने दोस्त की लाइफ बचाना चाहता था। अब समझ में नहीं आती कैसे बचाऊं, क्योंकि सांप को भी अपना अपना पिछले दिनों का बदला लेना है, और उसको भी अपने दोस्त को बचाना है। इसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने कहा, ही वॉज इंटेलिजेंट, वो एक इंटेलिजेंट था, तो उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा, इफ आई गिव यू अ लिटिल ऑफ हिज ब्लड टू ड्रिंक विल यू क्वेंच योर थर्स्ट। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका खून दे दूँ क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, यानी तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। सेइंग दिस ही न्यू दैट ही वॉज सेविंग द लाइफ ऑफ प्रिंस, बिकॉज इफ द स्नेक बाइट्स हिम फॉर ब्लड इट वुड एट द सेम टाइम स्प्रेड द पॉइजन दैट वाज श्योर टू किल हिज फ्रेंड। उसने कहा, वो ऐसा कहकर सोच रहा था, ऐसा कह रहा था, और वो जानता था कि सब अपने दोस्त की जान बचा रहा है। आप सोचो कि सब उसको खून दे देगा तो उसकी जान कैसे बचा रहा है। अरे खून देगा, खून थोड़ा सा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चोट लग जाती है तो अभी तो खून बह जाता है ना। हाँ, लेकिन अगर स्नेक ने उसको बाइट कर लिया तो उसका जो पॉइजन है ना स्नेक का, वो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, पूरी बॉडी में फैलेगा, तो उसकी डेथ आराम से हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उसे। तो डेथ से तो बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा खून दे दो। तो उसने यही सोचा, वैसे एक एग्रीड, और सर स्नेक भी एग्री हो गया। ही वॉज ओनली आफ्टर द प्रिंसेस ब्लड। तो ही का मतलब यहाँ पे किसा स्नेक से, ही का मतलब यहाँ पे किससे है, स्नेक से, ठीक है। वो कह रहा है तो स्नेक था ना स्नेक, इसलिए वो केवल प्रिंस का ब्लड चाहिए था उसकी लाइफ में, उस प्रिंस को केवल उसका ब्लड चाहिए था, उस स्नेक को केवल प्रिंस का ब्लड चाहिए था लाइफ में। द मिनिस्टर सन मेड अ कप आउट ऑफ रैलीज। मिस्टर के बेटे ने एक कप बनाया रैलीज का, यानी सूखी सूखी पत्तियों का उसने क्या बनाया, एक कप बनाया। एक क्लाइम्ड अपॉन द चेस्ट ऑफ द प्रिंस, वो उसकी चेस्ट पर बैठा। हू वाज स्टिल फास्ट एस्लिप, जो फिर तो तब भी सो रहा था। ए पुल्ड आउट हिज डैगर, उसने एक अपना नाइफ निकाला। एंड मेड अ स्मॉल स्लिट अराउंड द स्लाइड अराउंड द साइड ऑफ हिज थ्रोट, और फिर उसके गले के साइड में थोड़ा सा होल किया, कट किया। द शार्प कट सडनली शॉक द प्रिंस अवे, और उस कट से प्रिंस सडनली जग गया। बट नाउ सीइंग दैट हिज फ्रेंड द मिस्टर सन वाज होल्डिंग द डैगर ही क्लोज्ड द आईज अगेन। लेकिन ये देखकर उसने अपने दोस्त को देखा, ये देखा कि उसका जो दोस्त है ना मिस्टर का बेटा, उसके हाथ में डैगर है, उसके हाथ में चाकू है, नाइफ है। तो उसने द्वार से अपने आईज क्लोज कर ली। द मिस्टर सन फिल्ड द कप विद ब्लड, मिस्टर के सन ने उस कप को खून से भर दिया, ब्लड से भर दिया। एंड ऑफर्ड इट टू द स्नेक, और ये स्नेक को दे दिया, जिससे स्नेक की स्नेक का गुस्सा शांत हो गया। एंड ही वेंट हिज अवे, अब अपने रास्ते चला गया, यानी अब स्नेक चला गया। मीनवाइल ही कलेक्टेड सम मेडिसिन एंड हर्ब्स, तो उसी टाइम पे उसने क्या किया, थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह कलेक्ट की एंड बैंडेज द बाउंड, एंड उसने उसको थोड़ी मेडिसिन वगैरह खिलाई, और उसका जो बाउंड था ना, जो उसने होल किया था अपने नाइफ से, उस पर बैंडेज लगाई। A few hours later, the prince awoke. और कुछ कुछ टाइम बाद प्रिंस उठा एंड मेड प्रिपरेशन टू प्रोसीड फर्दर, और फिर उन्होंने आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का तैयारी की। ही सेड नथिंग, प्रिंस ने कुछ नहीं कहा, एंड वॉक्ड हैप्पीली एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। इस तरह से हैप्पीली चलने लगा, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं।
इवन आफ्टर स्पेंडिंग 2 days इन द फॉरेस्ट, 2 दिन जंगल में स्पेंड करने को द प्रिंस ने वाज रिमाइंडेड ऑफ द इवेंट। प्रिंस ने कभी भी उससे उसके बारे में पूछा नहीं, पूछा नहीं कि तुमने मेरा गला गर्दन क्यों काटी, तुमने मेरा ब्लड क्यों निकाला, कुछ भी पूछा उसने। इट वॉज अ मिस्टर सन हु बिगिन टू ग्रो इम्पेशेंट एज टू व्हाई ही वॉज नॉट क्वेश्चन। आज जो मिस्टर का पेशेंट था ना, मिस्टर का जो बेटा था सॉरी, वो इम्पेशेंट होने लगा, यानी उसको सब्र नहीं होता, उसमें सब्र नहीं होता, वो जाना चाहता था कि उसके प्रिंस ने उससे कोई क्वेश्चन वगैरह क्यों नहीं किए, उसे सब्र नहीं हो रहा। ही फाइनली सेड, अब उसने आखिरकार कह दिया, फ्रेंड एंड मास्टर, यू नो दैट आई क्लाइंब्ड अपॉन यू एंड स्लिट योर थ्रोट। मास्टर और दोस्त, अब उस प्रिंस से कह रहा है, ये दोनों बड़े ना, वे कह रहे हैं आप जानते हो कि मैं आपके ऊपर चढ़ा था एंड आपका गला मैंने काटा था और ड्रॉ ब्लड और थोड़ा सा आपका ब्लड ब्लड निकालता फिर बैंडेज भी किया था। यू इवन सॉ मी डूइंग इट, आपने तो मुझे देखा भी था ये करते हुए, इसलिए यू हैव नॉट क्वेश्चन मी, फिर भी आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और ना ही मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्रिंस कहता है, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन, तुम मेरे दोस्त हो, आई बिलीव दैट वॉट एवर यू हैव डन मस्ट हैव बीन फॉर माय गुड। उसको भरोसा था, वो कहना मुझे भरोसा है कि तुमने जो भी किया होगा मेरे बेटरमेंट के लिए क्या होगा, मेरे बेटरमेंट के लिए क्या होगा, मेरे अच्छाई के लिए ही क्या हुआ होगा। दैट इज द एडजन एक्सप्लेनेशन, इसलिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आई हैव बाउंडलेस ट्रस्ट इन यू, मुझे तुम असीमित ट्रस्ट है, सीमित मतलब क्या कोई लिमिट नहीं, इतना ज़्यादा भरोसा मैं तुम पर करता हूँ। दैट माई फ्रेंड शैल नेवर डू एनी हार्म टू मी, और मुझे इतना भरोसा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा फ्रेंड कभी मेरे लिए हार्म नहीं करेगा, कभी मेरे लिए बुरा नहीं करेगा। दिस इज द मार्क ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, और ये एक ट्रू फ्रेंडशिप की क्या पहचान है, अ फ्रेंड हु कैन एवर इवन बिकम हार्श टू ग्रीन ग्रेटर एडवांटेज टू यू। वो कह रहा है एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी आपके लिए हार्श हो जाता है, कभी आपके लिए स्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे अभी हुआ था, उसका ब्लड उसने निकलवा दिया था, लेकिन किस लिए निकलवाया था, आपके एडवांटेज के लिए, प्रिंस के एडवांटेज के लिए है। इन रिटर्न हु डज नॉट सक और फील हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ हिज फ्रेंड्स टू फ्रेंड, और वो इंसान जो इन रिटर्न वो इंसान जो इन रिटर्न ना तो उसे गुस्सा होता ना ही बुफरा के बैठ, ठीक है बाय द एक्शंस। तो इसको बोलते हैं ट्रू फ्रेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रेंड हम बोलते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंड, तो लिखो इसका आंसर। वर्ड्स लिखो ना वहां पे लिखते हैं, ठीक है पॉइंट होता है ना पॉइंट। एक तो ये कि वो आपको सुनता है, एक तो ये कि वो आपकी फीलिंग्स को शेयर करता है, शेयर योर जॉय एंड सॉरो, ठीक है। ठीक है और क्या है ये लिखो, they are not opportunist, they are selfless, ठीक है, they support even when the whole world deserts, ठीक है, बस यही है, ठीक है, ये आपके हो गए आपके qualities, ठीक है। we read the prince and his friend को, ठीक है, forest लिखा हुआ है, who wanted to attack the prince, इसने बिल्कुल से लिखा हुआ है। How did the Mr. Sun save his friend's life? By offering blood? लिख देना यहाँ पे by offering blood वाले लाइन, ठीक है। Why did the prince not question it? Because he believed in him. क्योंकि वो उसमें believe करता था, because he believed in him. Because the prince believed in his friend. Simple सा तरह लिख देना, ठीक है। Better with the time. With the time, है ना? True friendship grows with the time. And get others to talk about themselves. ठीक है आपका चैप्टर भी कम्प्लीट, ठीक है।